क्या बना रही हो? हमें नहीं पता हम क्या बना रहे हैं। आज ऋचा जी कुछ स्पेशल बना रही हैं। आज इन्हें शूट पे जाना है, शूट पे जाने से पहले कुछ पेस्ट्री का दिलाना चाहती हैं। किसको? ऑब्वियसली खुद को। खुद को? खुद मतलब... के लिए मैं इतनी मेहनत नहीं करती हूँ। मैं बना रही हूँ कढ़ी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमको पसंद है। चलो तो सुबह का गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है ऋचा जी के चैनल पर। और हम शुरुआत कर रहे हैं लंच से, क्योंकि हमारा आज उठना थोड़ा लेट हुआ था, और तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत चाय वाय पी लेते हैं। चाय हमने पी ली है, और हमने नाश्ते में बनाया था पोहा, वो भी खा लिया है, जो हम वीडियो नहीं बना पाए जिसका। और अभी मैं पकौड़ी बना रही हूँ कढ़ी के लिए, क्योंकि महान जो वीडियो बना रहे हैं हमारे पीपी, उनको प्याज की पकौड़ी कढ़ी में चाहिए होती है, तो बस उनके लिए हम एक पकौड़ियाँ बना रहे हैं। और क्योंकि उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, और ये कढ़ी कैसी बनेगी ये तो खाने के बाद पता चलेगा। तो जी जैसे भी कढ़ी बने आप प्लीज खा लेना, ठीक है? मैं कमेंट कर दूंगा आपके यूट्यूब चैनल पर, कमेंट करोगी इसी वीडियो पे कि कैसा बनाया था आपने। ओ ठीक है, चलो वो सब बात, ये सब सामान फैला पड़ा है यार, तो क्या करूँ? मैंने फैलाया और किसने फैलाया? तुमने फैलाया। दोस्तों मेरी ये पकौड़ियाँ बन रही हैं, आप देख सकते हैं ये आलू की पकौड़ी, पता नहीं बनाई मैंने पहली बार ही बनाई है, क्योंकि मुझे इसका वो आइडिया नहीं होता कि बेसन कैसा रखना है। ये मुझे मेरी मैम ने बताया, माया, जो मेरी दोस्त बन गई है। और जब मैं लॉकडाउन में वहाँ पे, लॉकडाउन नहीं, जब मैं शूटिंग के लिए आई थी तो हम दूसरी जगह पर रहते थे, तो हम, मैं और माया और पूनम, हम साथ में रहते थे, तो उसने मुझे बताया था कि कितना बेसन की क्या क्वांटिटी रखनी चाहिए और कितना फुर्गीले रखना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने रेडी किया था, तो मैंने फाइनली बना लिया पकौड़ी, और ये आलू के पकौड़ी, ये सब रेडी हो गया है। और ये हमारी कढ़ी खोल चुकी है, आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी इसको थोड़ा और खोल जाएगा, फिर मैं इसमें पकौड़ी डाल दूँगी, और ये हमारी कढ़ी बन जाएगी, मतलब खाने के लिए तैयार हो जाएगी। और कढ़ी कैसे बन जाती है ये मुझे नहीं पता था, मेरी मम्मी और मेरी भाभी ने और मेरी सासू माँ ने बताया था कि जब कढ़ी बन जाती है तो ये कैसे पता करें कि कढ़ी बन गई, मुझे तो पता ही नहीं था। तो जब कढ़ी खोल खोल के उसके साइड में एक क्रीम निकल आती है, आपको दिख रहा है, तो ये क्रीम जो हो जाती है इससे पता चलता है कि हमारी कढ़ी पक चुकी है या पकने वाली है। और हम इसको जितना खोलाते हैं उतनी टेस्टी बनती है। और तो ये रही मेरी कढ़ी, और मैं भी थोड़ा किचन साफ करूँ, क्योंकि किचन हमारा बहुत गंदा हो गया, और ये गंदा करने वाले कोई और नहीं, सिर्फ सिर्फ जीत है जो मेरा वीडियो बना रहे हैं, और सब मुझे वो करना, मैं थक गई हूँ जीत, इससे काम नहीं चलेगा, अब मैं जा रही काम करने। आपको कुछ हेल्प करानी नहीं है मेरी, चलो बाय। इसकी स्टेबिलिटी को खतरा है, इसका ब्रांड वेल नोन नहीं है, ये बहुत छोटी है, तो ऐसी एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। ब्रांड और क्रेडिट रेटिंग से मुझे ही भरोसा मिलेगा। 24 घंटे न्यूज़। मैं एफडी चूज करूंगा, यही बात देखूंगा कि उसकी विथड्रॉल पपाया खा लो, अभी नहीं खाऊंगा। मैंने 2 साल की एफडी कराई है, लेकिन मुझे 1 साल में कोई जरूरत पड़ गई तो क्या मैं पैसा जल्दी निकाल सकता हूं? पूरा मैं निकाल सकता हूं तो मेरे को कितनी पेनल्टी लगेगी? जैसे एक याद रख लिया, तो दोस्तों मैं सेट पर आ चुकी हूँ, और हम आधे उधे आधे अधूरे रेडी हो चुके हैं। ये हमारी दीदी हैं जिनका नाम तरन्नुम दीदी है, और जब ये मुझसे पहली बार मिली तो इनकी आवाज़ में इतना बेस था कि मैं डर गई कि यार ये ऐसे गुस्से से कैसे बात कर रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि ये ऐसे ही बात करती, पर है बहुत प्यारी। फिर मैंने कहा दीदी थोड़ा हंस के दिखाओ, तो अभी हंस रही हल्का तो अच्छे लगे। और ये दादा शताब मिल चुके हैं जिन्होंने मेरा किसमें काबिल है, हमें पहले दिन मेरा मेकअप किया था, उसके बाद मेकअप नहीं हो पाया क्योंकि शोर ज़्यादा मेकअप करते थे। और तो
अब हम आए हैं दूसरे सेट में। जिस सेट में आए हैं वो गुजरात में है और इस फिल्म का नाम राखी है और मैं राखी का ही कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, एक नई यात्रा करने जा रहे हैं इस स्टोरी के माध्यम से, एक नई कहानी पे हम काम करने जा रहे हैं। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए और हमारे साथ आ जाइए शूटिंग पर। हमारे डांस मास्टर जी, हाय, ऑफ कोर्स, और ये हमारे हेलो, आई एम असिस्टेंट, और हम लोगों को सिखाते हैं और मास्टर जी से डांस से बचा लेते हैं चुपचाप से डांस सिखा के। अरुण मेरे लिए चप्पल लेकर आया है और क्योंकि इतनी सारी चप्पलें आई थी मेरे नाप की नहीं थी, अभी फिर से आई मेरे लिए चप्पल। अरुण हाय बोलो। हाय, हमारे ड्रेस दादा हैं और चप्पल लेने गए थे। और भी कुछ हो, ड्रेस दादा के अलावा और भी कुछ हो? और पता नहीं, और तुम क्या हो, क्या हो तुम बता दो, ऑडियंस जानना चाहती है। आई एम फ्यूचर हीरो, फर्स्ट नहीं तो सेकंड हीरो। और चप्पल मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से चप्पल लेके आए हैं। अरुण जी देखिए कैसे कैसे चप्पल लेके आए, मुझे एक भी पसंद नहीं है। ये ओके है ना सैंडल? हाँ, ओके सीन्स के लिए, डल सीन्स के लिए। और अच्छे मोजे नहीं मिले तुम्हें? शक्ल दिखाना अपनी, शक्ल दिखाना अपनी, ये मोजे मत दिखाओ, मोजे दिखाओ, पीछे से हट जाओ। तो दोस्तों मेरा पैकअप हो गया है, सॉन्ग कंप्लीट हो गया और मैं रूम पे आ गई हूँ। कमेन अभी बताइए कि क्या मिल जाएगा। दोस्तों दो मिनट, दोस्तों मेकअप छुटा दिया है मैंने। और अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ सुबह, मतलब दोपहर में खाना मैंने थोड़ा बहुत खाया था क्योंकि सुबह की निकली हूँ मैं मुंबई से, तो 12:30 बजे मैंने लंच किया था। फिर मुझे 2 बजे फिर भूख लग गई, तो अभी हल्का फुल्का खा के मैंने अपना काम कंप्लीट किया, बट अभी बहुत अच्छी सी भूख लगी है तो मुझे कुछ खाना है, तो खाते हैं और फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर स्क्रिप्ट पे बैठेंगे, स्क्रिप्ट पे काम करना है कि क्या कल होने वाला है, थोड़ा बहुत पढ़ना भी है, पर तो मैंने पूरा ही लिया है क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत पहले आ गई थी मेरे पास। और अभी देखते क्या होता है, खाना खाती हूँ या नाश्ता करती हूँ या क्या करती हूँ, कुछ आ जाओ तो मेरा दिमाग चले। मेरी देखो लिप्स, लिपस्टिक लग गई है पापा। साफ हो गई। चलो दोस्तों नाश्ता करते हैं, मिलते हैं। अभी नाश्ता आया नहीं पर देखती हूँ क्या आता है। तीखा वड़ा पाव, कुछ था ही नहीं खाने को, बाप रे। पानी अभी एक बचा है। अंतरा गया पहले अंतरे में, जैसा आप ट्रीटमेंट दे रहे हो जो कर रहे हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। फर्स्ट म्यूजिक में ये लड़की एंटर हो जाएगी मंदिर के अंदर, करेक्ट? पहले सीढ़ी में, सीढ़ी से जब झटका लगा, झटका लगने के बाद में वो सीढ़ी से चढ़ी, वहीं पे वो बैठ के जितना